नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए जानते हैं आज की खबरें। हरियाणा धान लेकर जा रहे किसानों को रोकने के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने बिडोली पुल के पास जोरदार प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया। शामली के मेरठ करनाल हाईवे पर किसानों ने प्रदर्शन करते हुए बॉर्डर को जाम कर दिया। मेरठ करनाल हाईवे के बिडोली पुल पर भारतीय किसान यूनियन की नेताओं के साथ किसानों ने मिलकर जाम लगा दिया। किसानों का आरोप है कि हरियाणा सरकार किसानों की फसल को मंडी तक नहीं पहुंचने दे रही, पुल पर ही किसानों के वाहनों को रोक दिया जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए किसानों ने जाम लगा दिया। किसानों के जाम के कारण मरीजों को भी अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को काफी घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ा। हरियाणा प्रशासन ने बॉर्डर पर पिछले एक सप्ताह से यूपी के बॉर्डर के निकटवर्ती इलाकों से अनाज मंडी में जाने वाली धान की फसल से लदी वाहनों के प्रवेश पर रोक दी है। अभी तक किसान अपने स्तर पर हरियाणा प्रशासन और सरकार का विरोध कर रहे हैं और फसल को हरियाणा मंडी में बेचने के लिए वाहनों पर लगी रोक को हटाने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को शामली जिला प्रशासन के आग्रह पर करनाल प्रशासन ने रोक को हटा दिया था, लेकिन अगले ही दिन किसानों की फसल के लिए बॉर्डर को दोबारा बंद कर दिया गया, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में किसान बॉर्डर पर पहुंचे और पुल के बीचों बीच धरना देकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि जब तक किसानों की संपूर्ण फसल को हरियाणा मंडी में बेचे जाने का आश्वासन सरकार नहीं देगी, तब तक किसान जाम लगाए रखेंगे। हमारी वहां था ट्राली, हमने कहा हमने किसान बंद करी, मारे ट्राली काट दो। एक पुलिस वाला डंडा मारा, गुद्दी पर थप्पड़ मारा, हर हमने फिर भी दो फेरी ट्राली कमाई मारी वापसी मेरी भेजी। 16 तारीख ने मारी ट्राली 6 बजे, हमने पुल के तरह निकाल ली हुई कच्चे रास्तों ने, और सारा दिन हम यहाँ परेशान रहे भूखे बने। हरियाणा का बॉर्डर का था, परले बॉर्डर का जी, बिना नाम जानते हम तन पड़ी, आज किसका नाम पड़े भाव जी। हम 15 तारीख तक बहुत बुरी हो रही किसानों के लो। तो कब तक सारी उम्र हो जियो, ये तो साल की बात करें, जिंदगी गुजर जो सारी पुलिस ने गोली मारनी तो हमारी छाती में मारा, हम छाती में गोली खाएंगे, छाती में गोली मारा भाई। चार साल बीजेपी की सरकार जब से पूरा देश लाइन में ले रहा, अगी बात आधार कार्ड बनवाओ, ई पैन कार्ड बनवाओ, ई पोर्टल करवाओ, ई फसल का बीमा वो करवाओ, परेशान कर दिया। फसल कभी मारी लेता नहीं, 1674 रुपए मेरी फसल बिकी, और पैसा क्या है मेरे तक, पैसा खाते में होगा, किसके खाते में होगा जब प्राइवेट आदमी ने खरीदी। आज प्राइवेट आदमी 300 रुपए का मतलब सरकार में से आवेंगे चुना पाठ देने में लगा दिया 300 रुपए का, मार दिया ने इनकी सबकी मिली भगत हो रही। इनते उत्तर प्रदेश को भी छोड़ दो, इससे बिहार से और प्रदेशों से जीरी के ट्रक 800 रुपए में खरीद कर ले, और यहाँ मारे दौर ने बागे जाम रोड देखे ट्रक 50-50 ट्रक और 100 ट्रक जाते हैं, और किसान की ट्रॉली रोक दी जाती है, ट्रक को कोई आदमी नहीं देता, और मंडी में सेल नंबर सीधे उतरे जाके किसान का गवर्नमेंट कह रही कहीं भी मांग। तो मुख्य मांग तो हमारी कृषि बिल वाली है, वो तो चली आ रही है, 11 महीने हुआ हुआ रही, 26 तारीख में 11 महीने पूरे हो जाएंगे, उसी का ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट जो चल रहा है, ये किसान को परेशान करने वाली जो योजना है, ये उसी का नतीजा है। जब वो पूर्ण रूप से लागू हो जाएंगे उसका इलाज हो जाएगा तावड़ाई, इसी वजह से किसान वहाँ पड़ा। अच्छा लोग भरमी था देव भी, अगर नहीं है तो बेकार में तो खाली स्थानीय फलाना, ये कुछ नहीं है बिल्कुल, ये सामना है रही बात। ये एक भी दाना नहीं खरीदते, लोग रोजाना परेशान कर रहे हैं किसानों को। सरकार की एक ही योजना है ना, परेशान करके किसानों को ना दफन कर दो, कहीं धरती में उतार दो, ये है। अडानी को दे दो, अंबानी को दे दो, इन्हें दे दो ये जमीन खोस का सारी। मारे यूपी में इतना बुरा हाल है, योगी भी बैठा, मोदी बैठा, सारे झूठ बोल रहे हैं, तड़की दसान लोग, एक भी जो बात उनकी सही होती हो, कभी लाइन में वहाँ लगाया था, कभी वहाँ मंडी बताओ दे, कहने सेंटर खोल लेते हमारा SDM साहब को, हमने कई बार शिकायत कर ली, आगे सेंटर खोल दिए वहाँ, सोसाइटियों पर तोड़ दो, सोसाइटी तो एक घंटा भी नहीं उठती, दो हाँ ना कहीं सेंटर खुले चल भी तो नहीं रहे, झूठ बोल रहे हैं कोई से भी, हमारे पूरी से पूरे ब्लॉक में पूरी तहसील में कहीं भी सेंटर नहीं चल रहा, कोई भी धान की खरीद नहीं कर रहा। शामली मंडी पड़ी वहाँ नहीं कोई आड़ती कोई है, तोल नहीं है, कोई अधिकारी नहीं, कुछ नहीं है, खाली बोल के झूठ बोल के लोगों को लारा लगा रहे, बस लोगों को लूट रहे, किसान बेचारा लुटता रहा और पिटता रहा। नहीं यूपी के भी हैं किसान, हरियाणा के भी हैं बेचारे, हैं जिन्होंने जमीन ले रखी है, हमारे यहीं रहे हैं, रहना सहना भी यहीं है, बाकी सारा मामला तो इनका हरियाणा में ही है, इन्हें भी रोका जा रहा है,
उनका मकसद तो खाली किसान को परेशान करने का ही तो है। वो हरियाणा का हो चाहे यूपी का हो, उन्हें उस बात से क्या लेना देना, किसान हो बस परेशान करना उन्हें। ये कोई ना कोई समाधान निकाल ले सरकार, अधिकारी आकर निकाल ले, जाएंगे नहीं बैठे, चाहे एक दिन हो जाओ चाहे 10 दिन हो जियो, एक धरना वहाँ चल रहा यूपी चला देंगे, यहाँ पुल पर बस और के इलाज है, हरियाणा के हरियाणा में इधर के इधर जाम लगा दिया और के कर। किसानों की समस्या को लेकर पड़े कि हमारे हम यहाँ से छह दिन हो लिए यहाँ से पुल पर पड़े, हमारी ट्रोली रोक रखी पुलिस ने, सरकार रुकवा रही है हमारी ट्रोलियाँ, हरियाणा पुलिस, और हरियाणा पुलिस वाले अगर रात को हमारे ट्रोली वाला कोई 500 रुपये तो देते हैं, 1000 रुपये देते हैं, उसे तो काट दे नहीं, बाकी को उल्टे खेत लग रहे लठ मार मार के जी फंस गई। एक डब तो कुआ है, एक डब जेरा है, मतलब इस सरकार ने 3 वादे करे, किसान की आय 2 गुनी होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, गुंडागर्दी खत्म होगी, एक भी वादा इन पे पूरा नहीं हुआ आज तक। किसान की आय तो 2 गुनी घट गई, भ्रष्टाचार जो है कोई भी अधिकारी बिना पीछे लिए किसी का काम, कोई भी चाहे जायज है वो चाहे नाजायज है, जायज काम भी बिना पीछे लिए करता नहीं, यू तो हो गया शासन प्रशासन का काम। किसानों की बताओ क्या गलती भाई, किसान जो है अपनी फसल बेच रहे, इस हरियाणा का 50% गन्ना यूपी में खपे, इनसे बात करें ये नु कहेंगे लेकिन हमारे मजिस्ट्रेट के आदेश हैं, हमारे मजिस्ट्रेट के आदेश ये हैं कि भाई गन्ना तुम सारा बेच लो, यहाँ यूपी में बेच लो, ऐसा है तंग आए जंग आए। अगर ये नहीं समर्थित किसान मरने को तैयार बैठा, मतलब